एक और हॉरर वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं, मुझे बड़ा जहीर मजा आता है हॉरर जहीर वीडियोस स्टाइल में। चैनल, जहीर भाई की वीडियो है और टाइटल है दिल दहला देने वाली वीडियो, रियल गोस्ट कॉटन कैमरा, भूत किसकी वीडियो। भाई साहब डर लगने वाला है, तबाही मचेगी आज तो। भाई देखो सबसे फेवरेट क्लिप, मतलब डरावनी जो आपको लगी बताना, फेवरेट ड्रामे भी फेवरेट होती है। हो जाती है फेवरेट, हो जाती है। कई लोगों को मजा आता है हॉरर वीडियो देखने हाँ में, तो भाई ओरिजिनल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐसे ही आप चैनल सजेस्ट करते रहिए गाइस, लाते रहेंगे आप लोग के लिए वीडियोस, क्योंकि दिस इज रिएक्शन एंड अ गेमिंग यस, चैनल। गेमिंग होती है रात के 10 बजे, लाइव स्ट्रीम होती है, भाग के आ भाग के जाना। जाया करो। यस चलो रेडी सेट एंड गो। हे व्हाट्स अप लवली पीपल, ये डरावना लगता है बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर सबका हमारे इस चैनल में। आज का हमारा वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय। तो ऐसे अंधेरे आज में के हमारे बैठ इस के वीडियो में हम बताते दुनिया भर ना, की ऐसी मैं कुछ वीडियो डरावनी लेके वीडियोस देखने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, और इन्हें देखने के बाद आप थोड़ा सा डर भी सकते हैं। इसमें से कुछ वीडियो तो वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है। चलिए करते हैं धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विद। साउथ कोरिया का ये रोड काफी ज्यादा डरावना और भूतिया माना जाता है। यहाँ पर रात का टाइम था, एक लड़की जॉगिंग कर रही थी, तभी उसका सामना काले कलर की एक अजीबोगरीब आकृति से होता है। आइए उस पर नजर डालते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना होती है। आप सामने देखिए, एक लड़का रोड क्रॉस कर रहा है, लाल कलर की कार तेज रफ्तार में आती है, उस लड़के के अंदर से आर पार होकर निकल जाती है, लेकिन लड़के को कुछ नहीं होता। या तो इस लड़के के पास कोई सुपर पावर है, या फिर ये हमारी दुनिया का है ही नहीं। एडिटेड तो नहीं था जी को, ये देखना हो सकता है। क्यों नहीं, ये तो कुछ अलग ही थी यार, ये क्लिप तो यही है भाई, यही है एवेंजर। हाँ एवेंजर मिल गया, ध्यान से देखना, देख बिल्कुल, देख तो बिल्कुल स्लो मोशन देख, नॉर्मल वैसे बंदा लग रहा है इस पूरे घटनाक्रम पर। आपका क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं। देख रही है तू, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। भाई कमेंट करके बताना क्या सीन है। अमेरिका जैसे कई संपन्न देश ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि हमारे बीच में रोबोट भी घूमते हैं जो हमारे ही बहस में होते हैं। यहाँ पर एक NBA का गेम चल रहा था, उसी दौरान एक अजीबोगरीब घटना हुई। कैमरा अचानक से होस्टिंग एरिया पर जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बंदा किस तरीके से एक मूर्ति की तरह खड़ा हुआ है। इसकी आंखें बिल्कुल बेचैन नजर आती हैं, ऐसा लगता है मानो ये कोई रोबोट हो। आप देख रहे हैं दूसरा बंदा उसका माइक ठीक कर रहा है जबकि वो खुद कुछ भी नहीं कर रहा है। ये वीडियो काफी वायरल हुआ और इसके ऊपर कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट करके बता सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। कुछ और सोच रहा हूँ क्या पता। अब यहाँ पर ये भी एक ऐसा वीडियो है जो किसी के भी दिमाग को हिला सकता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब वो कार निकलती है तब वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन अचानक से कार के पीछे एक बंदा आ जाता है। सवाल यहाँ पर यही उठता है कि जब वहाँ कोई नहीं था और हमें कैमरे पर नजर भी आ रहा है, तो फिर वो बंदा आखिर आया कहाँ से? हालांकि जब वो नजर आता है उसके बाद आगे चलकर थोड़ी देर रुककर पीछे कार की तरफ भी देखता है, कहीं वो ये तो नहीं चेक कर रहा कि कहीं किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ये वाली को गाड़ी वाली। इस बंदे को नींद में बातें करने की आदत है, ऐसे वाले में डर तो इसने लगता सोचा है। क्यों ना मुझे रिकॉर्ड करके वाले। देखना चाहिए कि आखिर मैं क्या बातें करता हूँ। और जब इसने वो रिकॉर्डिंग्स देखी तो ये बुरी तरह से डर गया, क्योंकि ये इस तरीके से बात कर रहा था मानो ये किसी और से बातें कर रहा हो। इवन कई बार ये ऐसा हंस रहा था मानो कि कोई भूत हंस रहा हो। कई लोगों ने वीडियो देखने के बाद कहा कि इस बंदे के अंदर कोई बुरी आत्मा जरूर है। साइड में सो रही है ना कोई? शौक दे खुद बंदा शौक।
अरे कैसे हो गई है? स्लीप वॉक कर रहे हैं तो? बिल्ली भी सो रही है यहीं पर ही। यहाँ पर एक फेमस टीवी स्टार का निधन हो गया है, लेकिन तभी वहां पर जो कॉफिन रखा है जिसमें उसकी डेड बॉडी है, उसके जस्ट पास में अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो एक आकृति नजर आ रही है। वो आकृति बिल्कुल पारदर्शी है। ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। कई लोगों ने कहा कि हो सकता है कि वो टीवी स्टार खुद अपनी यात्रा में, शव यात्रा में शामिल होने आया होगा। हाँ, है एक शैडो सी है। क्या हो रहा है? यहाँ पर ये दो लड़कियां मलेशिया की हैं और इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर के साथ लाइव स्ट्रीम कर रही थी, लेकिन आगे जो हुआ वो बहुत ज्यादा डरावना है और ये शायद जिंदगी भर उसे भूल नहीं पाएंगी। घर में ये दोनों लड़कियां अकेली हैं। आपने देखा उसके बाद अचानक से दरवाजा अपने आप बंद होता है। फिर उसके बाद जब ये बंदी पलट कर देखती है तो पीछे जो इसकी दोस्त है अब वो इसकी दोस्त नहीं है, वो बदल चुकी है। देखियो कैसी होगी वो। ये फेक भी हो सकती है, इंस्टाग्राम पे अटेंशन के लिए कर दिया। उसके बाद ये बंदी अपने पर्स से क्रॉस का पवित्र निशान निकाल लेती है, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है। और जैसे ही वो क्रॉस उस लड़की पर टच करती है, लड़की जोर से चिल्लाती है मानो कि उसे उससे तकलीफ हो रही हो। अगर वापस से इसे देखा जाए तो जब लाइट ब्लिंक होती है उस टाइम पर पीछे एक परछाई भी जाती हुई नजर आती है, और कैमरा ने इसे बहुत अच्छे से रिकॉर्ड भी किया है। देखिए और गेट भी बंद हुआ, वो लाइट बंद उस टाइम। बट ये मुझे पूरा और इस घटना होने से पहले ये लोग कुछ तो एक म्यूजिक यहाँ पर सुन रहे थे। वो म्यूजिक कोई सॉन्ग तो नजर नहीं आता, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसा लगता है बहुत से लोग कुछ मंत्रों का शायद उच्चारण कर रहे होंगे। अगर आपको इनकी लैंग्वेज समझ आती है तो आप इसे सुनिए और कमेंट में बताइए। ये सब कुछ इंस्टाग्राम पर लाइव चल रहा था। ये जब लाइव स्ट्रीम बंद करती है बहुत ज्यादा डरी हुई नजर आती है। इन सब चीजों से लगता है कि शायद ये वीडियो रियल है। ये वीडियो अपलोड किया है जो मॉर्ली ने। वो टेनेसी नाम की एक जगह पर एक्सप्लोरिंग करने आए हुए हैं। वो यहाँ पर इतनी छोटी जगह में जाने का विचार करते हैं जिसे देखकर कई लोग डर जाएंगे। ये जगह बहुत ज्यादा गहरी है। वो ऊपर रस्सी बांधते हैं और नीचे उतरने की तैयारियों में लग जाते हैं। उनका एक साथी बाहर खड़ा हुआ है, फिर वो नीचे उतरना स्टार्ट करते हैं। ये जगह काफी फिसलन भरी है। वो काफी नीचे पहुंच जाते हैं और इतनी नीचे पहुंच जाते हैं कि उन्हें ऊपर का रास्ता दिखाई भी नहीं देता, यानी कि अगर वो फंसे तो हेल्प बहुत ऊपर है। काफी मशक्कत के बाद ये बंदा नीचे तलहटी में पहुंच जाता है। यहाँ पर उसे एक संकरी गुफा दिखाई देती है और वो इसमें जाना चाहता है। ये बंदा काफी हिम्मत करके उस गुफा के अंदर घुस जाता है। जगह बहुत ज्यादा संकरी है, आप देख ही सकते हैं, यानी कि अगर इससे एक भी गलती हुई तो इसका पैर मुड़ सकता है, इसकी कमर भी टूट सकती है अगर ये नीचे गिरा, और उसके बाद इसका वापस ऊपर जाना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ये बंदा काफी एक्सपीरियंस्ड है और कई गुफाओं को अब तक एक्सप्लोर कर चुका है। मुझे पर्सनली ये वीडियो काफी डरावनी लगी, क्योंकि गुफा में फंसने के अलावा कई बार गुफाएं लैंडस्लाइड भी करती हैं, यानी कि ढह जाती हैं, तो वो घटना भी यहाँ हो सकती थी। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है, जहाँ पर हमने देखे कुछ डरावनी वीडियोस, कुछ भूतिया। भाई वीडियो में कुछ क्लिप्स तो थी जो डरावनी बहुत थी सीरियसली। एक तो वो जो गाड़ी आर पार निकल गई बंदे के, हाँ वो था। और जो बिल्कुल फर्स्ट था, टू बी फ्रैंक, वो समझ नहीं आया था, फर्स्ट वाला समझ नहीं तो आया। रात में था वो वीडियो में क्लिप क्लियर नहीं थी। एक वो स्केरी था, वो जो वो फेमस की डेथ हो जाती है तो उसके साइड में आकृति बन जाती है। एक वो जो रात में बात कर रहा था, कई बार लोगों को होता है कि यार मैं रात को किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, तो उसने भाई ने कैमरा लगाया तो उसने सोच देखा होगा अगले दिन उसके होश उड़ गए। मतलब सोचो मैं, मेरे लिए तो चलो मैं सो गई और नेक्स्ट डे मुझे एक वीडियो में पता चले कि हाय मैं ऐसे हरकतें कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ, और वो बैठा भी है, लेटा भी है ना,
आवाज है भाई नेक्स्ट लेवल होता है। और वो बिल्ली नहीं डरी, लेकिन उससे बिल्ली नहीं डरी। बिल्ली बिल्ली को पता था भाई तो पागल आदमी है, कुछ भी कर सके। नहीं पेट्स को तो थोड़ा पेट्स को थोड़ा रहता है, लेकिन फिर भी स्केरी थी वीडियो। दो पार्ट्स तो स्केरी थे। और ये इंस्टाग्राम वाले मेरे को डाउट हो रहा है क्या पता फेक किया उन लोगों ने। वो लग ही रहा था एकदम से, वो ऐसे ऐसे वो क्रॉस रख रही है, वो लग रहा था कि थोड़ा क्या मतलब। एक वो गाड़ी वाली एडिट लग रही है आपको बताने का, गाड़ी में से एकदम पीछे डिग्गी में से निकला वो बंदा, या फिर गाड़ी वाली। मुझे दोनों ही एडिट लग रही है, पता नहीं क्यों। एक तो जो ऐसे करके आया था जो सामने से वो था, मेरे को एडिटेड नहीं लग रही, वो भाई एवेंजर है वो। और एक जो वाह, एक जो डिग्गी में से निकला था वो वाला वीडियो, लेकिन कुछ भी कहो खतरनाक वीडियो थी और काफी इंटरेस्टिंग। हॉरर वीडियोस का मतलब ये होता है भाई साहब, आपको सोचने मजबूर कर दे। हाँ। आप थोड़ा डरो, यही चीज होता है। बाकी देखो भूत है नहीं है, वो सबके अपनी सोच है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। भूत नहीं भी है, चुड़ैल भी होती है एक लड़की के अंदर भाई साहब, डायन चुड़ैल सब होती है, तो बच के रहा करो थोड़ा सा उनका डायन भाग। तो बच नहीं पाया है। तो मिलते हैं आपसे इसी के साथ, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।